नमस्कार दोस्तों, पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में आज हम अपना अगला पार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का। 5.3 के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, सॉल्यूशन बड़े बड़े हैं, और इसीलिए ये एक और वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। हालांकि मैं सोच रहा था कि एक ही वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लें, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। चलिए दोस्तों, मैं ज्यादा बात नहीं करता, आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने किया था, 13 से अब हम करते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ PQR। ओके, PQR इसके वर्टेक्स देके रखे, ये P है, ये Q है और ये R है। इसके वर्टेक्स क्या देके रखे, -1 और 8, 4 और -2, और यहां देके रखा है -5 और -3। तो फिर देखो, यहां पर हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालना, मतलब कि हर साइड का, जो जो साइड्स हैं, जैसे सबसे पहले हम ये साइड की बात करें PQ की, तो PQ का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, सपोज वो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद में QR का कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, तो वो हो सकता है कि ऐसा हो जाए। इसको यहां से हम अंदाजे खींच लें, ठीक है, अंदाजे से खींच लें, ठीक। और एक PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, वो सपोज ऐसा कुछ हो, ठीक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि वो सामने वाली जो साइड होती है उसको बाइसेक्ट करता है, और साथ ही में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहां पर ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, या मैंने जो लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। यहां पर ये परपेंडिकुलर है, ये यहां पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये जो है ये यहां पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके नाम कुछ हम दे देते हैं, इसके नाम हम दे दें, दैट इज PQR तो ये है, इसको L दे दो, इसको M दे दो, और इसको N दे दो, LMN। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की हमको लाइन निकालना, इक्वेशन निकालना, कैसे निकालेंगे, हमारे पास में ये वर्टेक्स देके रखे, तो हम LMN के वर्टेक्स निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से, ठीक है। फिर मिड पॉइंट हम अगर इसके निकाल लें, हम अगर इसके मिड पॉइंट निकाल लें, तो हमें यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा, एक कोऑर्डिनेट इसके आ जाएंगे, एल के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एम के आ जाएंगे, एन के आ जाएंगे, ठीक है, एल एम एन के कोऑर्डिनेट आ गए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसके लिए, सपोज मैंने ये जो पहला जो बना के रखा है, ये परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है जो एल से होके जा रहा है, इसकी मुझे इक्वेशन निकालना होगी। तो मैं क्या करूंगा, ये दो पॉइंट्स मेरे पास है, कौन से दो पॉइंट्स, पॉइंट पी और क्यू, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट में यूज करूंगा, पी और क्यू के मैं कोऑर्डिनेट्स यूज करूंगा, और पी क्यू के ये कोऑर्डिनेट्स यूज करके, ओके, और ये एल का स्लोप लेके, पी क्यू के कोऑर्डिनेट यूज करके मैं स्लोप निकालूंगा पी क्यू का, और पी क्यू का स्लोप और स्लोप और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये स्लोप एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, उससे मैं क्या करूंगा, यहां पर ये पॉइंट का भी, इस लाइन का भी स्लोप निकाल लूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, और फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। मैं आपको पहला एक करके बताता हूं, फिर हम दूसरा और फिर तीसरा करेंगे, है ना। चलिए एक एक के बाद एक करते हैं। सबसे पहले मैं सबके मिड पॉइंट्स निकाल लेता हूं, ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल क्या होगा, मैं इसको नाम दे दूं x1 y1, इसको दे दो x2 y2, इसको दे दो x3 y3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल क्या हो गए, वो हो गए x1 + x2 / 2, ठीक है, x1 + x2 / 2, ठीक है जी, वैसे ही आएगा y1 + y2 / 2, है ना। तो ये -1 जो है वो x1 है, और 8 जो है वो y1 है, 4 जो है वो x2 है, और -2 जो है वो y2 है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं एक के बाद एक, बहुत आसानी से होगा, कोई चिंता वाली बात और डरने वाली बात नहीं है। x1 ये देखिए, -1 और 4 लिख दो यहां पर, -1 + 4 / 2, ठीक है जी, साथ ही में 8 - 2, मैं डायरेक्ट -2 लिख रहा हूं, / 2, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, दैट विल बी 4 में से 1 गया तो 3 / 2, और 8 में से 2 गया तो 6 / 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल आ गए हमारे पास, ठीक है, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, कैपिटल एल लिखिए, इसको स्मॉल एल लिख के रखा है मैंने, ठीक है। अब एल के कोऑर्डिनेट्स आ गए, वैसे ही मैं सबके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं। अब मैं यहां पर एम के भी कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि
ये जो है x2 y2 और x3 y3 का मिड पॉइंट है, है ना। तो यहां लिखो x2 x3 अपॉन 2 और y2 y3 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या हो जाएंगे, ये दो है, ये चार है और ये माइनस पांच है, चार माइनस पांच अपॉन दो और माइनस दो माइनस तीन, माइनस दो माइनस तीन अपॉन टू, तो ये हो जाएगा माइनस में वन अपॉन टू और माइनस में फाइव अपॉन टू। ठीक है, वैसे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन भी निकाल लें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन वो क्या आएंगे, वो आएगा एक्स वन एक्स थ्री अपॉन टू, एक्स वन प्लस एक्स थ्री अपॉन टू और वाई वन प्लस वाई थ्री अपॉन टू। तो एक्स वन एक्स थ्री माइनस वन माइनस फाइव, माइनस वन माइनस फाइव अपॉन टू और एट माइनस थ्री अपॉन टू। ठीक है, तो क्या हो गया ये माइनस सिक्स अपॉन टू मतलब माइनस थ्री हो जाएगा और ये हो जाएगा फाइव अपॉन टू। ऐसे करके हमने तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, है ना, जो हमारे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलिए जो जहां से होके जा रहे उसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो मैं तीनों को जरा मैं हाईलाइट कर दूं और फिर उसके बाद हम आगे के स्टेप पे जाते हैं, क्योंकि ये जो है ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस है, है ना, ये निकालना ही मेन है, बाकी तो फिर आपको सब आता है। ठीक, ये हमने एक एक इनके मिड पॉइंट्स निकाल लिए, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ठीक है, चलिए ये सब आगे, अब मैं क्या करता हूँ, अब हम वन बाय वन चलते। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जी यहाँ पर ये जो है पी और क्यू का स्लोप निकालेंगे और उसके स्लोप की मदद से परपेंडिकुलर जो है जो एल से होके जा रहा है ना, फर्स्ट परपेंडिकुलर उसका स्लोप निकालेंगे, वो स्लोप और फिर ये दो पॉइंट, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम उसको निकाल लेंगे। इसके ये एल के कोऑर्डिनेट्स लेकर जो एल के कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये और इसका जो स्लोप है ये, इसकी मदद से हम निकालेंगे, पर हमको इसका स्लोप निकालना पड़ेगा इस लाइन का पहले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पी क्यू का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, पी क्यू का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 कितना है माइनस टू और एट, माइनस टू माइनस एट अपॉन फोर माइनस माइनस वन, फोर माइनस माइनस वन तो ये प्लस का वन हो जाएगा, ये हो गया माइनस टेन अपॉन फाइव तो हो गया माइनस का टू। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो गया, स्लोप ऑफ पी क्यू हो गया माइनस टू। चलो इसको भी बॉक्स में कर दो। ठीक है, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आ गया, माइनस टू आ गया। ठीक है जी, चलो बढ़िया, अगले पॉइंट पे आते हैं। हमने स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल लिया ना, अब हम स्लोप ऑफ क्यू आर भी निकाल लें, सभी के स्लोप निकाल लें एक साथ, तो फिर हमको सॉल्व फटाफट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके नीचे मैं इसका निकाल लेता हूँ, दैट इज स्लोप ऑफ क्यू आर, तो वो क्या होगा, वो y3 थ्री माइनस वाई टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स टू होगा। y3 कितना है माइनस थ्री और माइनस टू, माइनस थ्री माइनस माइनस टू तो प्लस का टू हो जाएगा, और x3 थ्री माइनस फाइव माइनस फोर, माइनस फाइव माइनस फोर तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन माइनस नाइन, माइनस वन अपॉन माइनस नाइन मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन नाइन। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लो, ये वन अपॉन नाइन ना लिख के इसको यहीं पे मैं काट देता हूँ, ये प्लस का कर देता हूँ। ठीक है, और स्लोप ऑफ क्यू आर हो गया, ये स्लोप ऑफ क्यू आर हो गया। चलो इसको भी बॉक्स लगा दो। अब जो आखिरी स्लोप है वो किसका होगा, वो आखिरी स्लोप होगा पी क्यू पी आर का, तो वो भी है लिख लो, स्लोप ऑफ पी आर, है ना। मैं एक लाइन में चलने दे रहा हूँ, आप चाहें तो आपकी समझ के लिए मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन खींच देता हूँ कि ये ऐसे चल रहा है, अदरवाइज आपको लगेगा ये कर क्या रहे हैं सर, थोड़ा कभी इधर लिख रहे हैं थोड़ा उधर लिख रहे हैं। ठीक है, तो चिंता मत करो, करिए ये जो है मैं यहाँ पर पेंसिल की लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, एक पेंसिल वाली लाइन खींच देता हूँ, ये जो है एक लाइन यहाँ आ गई, इसका पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, एक इसका पार्ट हो गया। ठीक है जी, मतलब ये इधर चल रहा है। ओके, चलिए आगे आते हैं। इसमें मुझे यहाँ पर स्लोप ऑफ पी आर निकालना है, तो पी आर का स्लोप मैं कैसे निकालूंगा, वो होगा दैट इज y3 थ्री माइनस वाई वन अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स वन। वाई थ्री कितना है माइनस थ्री है, माइनस एट अपॉन एक्स थ्री है माइनस फाइव, माइनस माइनस वन प्लस एट। ओके, माइनस इलेवन अपॉन ये आ जाएगा माइनस का फोर, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आएगा स्लोप ऑफ पी आर जो है वो इलेवन अपॉन फोर है। ठीक है, चलो इसको भी हम बॉक्स लगा देते हैं। सबके स्लोप आ गए हैं, ठीक है, सभी के स्लोप्स आ गए हैं। अब क्या करना है, देखो भाई हमारे पास इसका स्लोप है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर का स्लोप है क्या, नहीं है,
तो लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो एम वन एम टू के फार्मूले से हम क्या करेंगे, यहां पर हम पहले परपेंडिकुलर बायसेक्टर का, पी क्यू के परपेंडिकुलर बायसेक्टर का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिखिए स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर, लिखो यहां स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ पी क्यू, वो क्या होगा, वो होगा मैं इसको एम वन दे देता हूं और इसको मैं एम टू दे देता हूं, तो m1 वन इंटू एम टू माइनस वन के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो m1 कितना है जी, m1 वन माइनस टू है इंटू एम टू, ये माइनस वन हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास में m2 की वैल्यू क्या आ गई है, टू इसके अपॉन में चले जाएगा, तो वन अपॉन टू ये स्लोप आ गया मेरा किसका, ये स्लोप है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ का। देखो इसका स्लोप आ गया और इसके कोऑर्डिनेट भी हमारे पास में, ये कोऑर्डिनेट्स है और ये स्लोप है। ओके, तो यहां लिखिए इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, वो क्या होगा, वो होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टू, एम टू लिख रहा हूं x माइनस एक्स वन आपकी समझ के लिए, तो ये y वन तीन आएगा यहां, तो y माइनस तीन और m टू है वन अपॉन टू और x माइनस एक्स वन है थ्री अपॉन टू। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, ये टू का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस थ्री ये वन अपॉन टू, ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री अपॉन टू, टू टू ज़ा फोर, फोर इधर आ जाएगा, फोर वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, तो हो गया फोर वाई, ठीक है ये आ जाएगा फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, दोनों को उधर भेज दो, तो टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, तो होगा टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस के नाइन इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला करते हैं हम, दूसरे वाले के लिए भी वैसा ही करना पड़ेगा, हमारे पास में ये जो हमने स्लोप निकाला है किसको, ये वाला क्यू आर का, तो क्यू आर के स्लोप को हम लिख लेते हैं एम थ्री, इसको भी हम कर लेते हैं एम थ्री, और एम फोर क्या होगा, एम फोर स्लोप होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, लिखो यहाँ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, तो उसको एम फोर नाम दे दो, तो एम थ्री इंटू एम फोर ये माइनस वन के इक्वल होगा ना, देखो ये जो है ये इसका क्यू आर का स्लोप और ये वाला स्लोप, तो क्यू आर का स्लोप हमारे पास में और ये वाला स्लोप हम निकालेंगे अभी। ठीक है, तो क्यू आर का स्लोप कितना है, क्यू आर का स्लोप है वन अपॉन थ्री, मतलब एम थ्री ये वन अपॉन नाइन है, सॉरी थ्री नहीं है, वन अपॉन नाइन इंटू एम फोर इज इक्वल टू माइनस वन, तो m4 आ जाएगा माइनस नाइन के इक्वल। ठीक है, m4 क्या आ रहा है, m4 आ रहा है माइनस नाइन के इक्वल। ठीक है जी, अब मैं m4 का यूज करूंगा और ये जो कोऑर्डिनेट्स है इनका यूज करके मैं पॉइंट्स निकाल लूंगा, तो कोऑर्डिनेट्स में यहां लिख लेता हूं दैट इज माइनस वन अपॉन टू एंड माइनस फाइव अपॉन टू। ठीक है, इनका उपयोग करके मुझे अब क्या करना है, मुझे यहां पर स्लोप निकालना है किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, तो यहां लिखो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू y माइनस, फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, y1 वन इज इक्वल टू मैं m4 लिख देता हूँ x माइनस एक्स वन, फॉर द टाइम बीइंग ये फार्मूला मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, y माइनस y1 मतलब प्लस फाइव अपॉन टू कर दो, m4 की जगह माइनस नाइन कर दो और x माइनस एक्स वन की जगह प्लस वन अपॉन टू कर दो। ठीक है, टू का यहाँ मल्टीप्लाई करो, टू का यहाँ मल्टीप्लाई करो, टू वाई प्लस फाइव अपॉन टू माइनस नाइन टू एक्स प्लस वन अपॉन टू, टू टू कैंसिल, टू वाई प्लस फाइव इक्वल्स टू माइनस नाइन टू जा एटीन माइनस नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा एटीन एक्स है ये। ठीक है, दोनों को इधर ले आओ, तो ये एटीन एक्स प्लस टू वाई प्लस नाइन प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, तो हो गया अठारह एक्स प्लस टू वाई प्लस चौदह इज इक्वल्स टू जीरो, टू से डिवाइड कर दो, नाइन एक्स प्लस वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा स्लोप हो गया किसका, सेकंड जो है हमारा परपेंडिकुलर उसका। ठीक है, चलिए इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं, अब हम अगला वाला स्लोप निकालते हैं, स्लोप कौन सा हम निकालेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आप लिखिए इसको स्लोप का नंबर दे दो, ये जो हमने पी आर का स्लोप निकाला है इसको एम फाइव कर दो, और यहां लिखो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर, उसको हम नाम देते हैं एम सिक्स। ठीक है, और एम फाइव इंटू एम सिक्स क्या हो जाएगा जी, माइनस वन के इक्वल होगा,
एम फाइव कितना है 11/4 है, 11/4 इंटू एम सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एम सिक्स आ जाएगा माइनस वन इंटू 4/11, तो एम सिक्स आ जाएगा माइनस 4/11। ठीक है, ये एम सिक्स आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, एम सिक्स और ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसकी मदद से हम इसका भी स्लोप निकालेंगे, माइनस थ्री और फाइव बाई टू, माइनस थ्री फाइव बाई टू, तो इसका भी हम निकाल लें। तो यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप नहीं, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर। ठीक है, तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो वैल्यू पुट कर दो, y माइनस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू एम की जगह माइनस 4/11, एक्स माइनस माइनस ये x माइनस माइनस थ्री है तो प्लस थ्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टू का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2y माइनस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस थ्री अपॉन 11, 11 का इधर, 2 का इधर, तो 11 यहाँ, 2y माइनस फाइव, 2 फोर हो जाएगा माइनस 8 एक्स प्लस थ्री। ठीक है, 11 टू जो 22y माइनस 11 फाइव जो 55 माइनस 8x, 8 थ्री जो 24, दोनों को इधर ले आओ, 8x प्लस 22y माइनस 55 प्लस 24 इज इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा 8x प्लस 22y और 5 में से 4 गया तो 1 और यहाँ 3, तो माइनस 31 इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीआर। ठीक है, ऐसे करना है इसको। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्या देख रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन। देखिए ट्राइंगल एबीसी देख रखा है, इसके वर्टेक्स देख रखे हैं 2 -2, 1 1 और -1 0। अब यहां पर हमको ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जब हम यहां पर परपेंडिकुलर डालेंगे अपोजिट साइड पर, तो ये सपोज ये पहला परपेंडिकुलर P है और दूसरा परपेंडिकुलर Q है, तो हमको ये पॉइंट निकालना है O, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब यार कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, लेकिन एक बात, कोऑर्डिनेट डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, लेकिन हाँ हम AP का इक्वेशन निकाल सकते हैं और BQ का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम दोनों के इक्वेशन निकालेंगे। AP का इक्वेशन कैसे निकालेंगे भैया, BC का स्लोप निकाल सकते हैं, BC के स्लोप की मदद से AP का स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है, स्लोप आ जाएगा AP का और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हैं, तो स्लोप कोऑर्डिनेट की मदद से हम AP का इक्वेशन निकालेंगे। बिल्कुल उसी तरह से हम BQ का भी इक्वेशन निकालेंगे, और AP का और BQ का इक्वेशन अगर हमारे पास आ गया, तो दोनों दो लाइन अगर हमारे पास में होती है, दो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, और हमको उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होता है, तो जहां पर O पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल आपको मिल जाएगा जहां पर O पर कर रहा है। ठीक है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हाँ हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए कि स्लोप ऑफ BC। ठीक है, ABC कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए 2 -2, B के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 1 1, C के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए -1 0, और लिखिए स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC क्या होगा, y2 - y1 upon x2 - x1। ठीक है, x2 - x1, y2 कितना है 0 - 1 अपॉन में -1 - 1, तो -1 upon -2 हो जाएगा। मैं इसको m1 ले लेता हूँ, तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, अब स्लोप ऑफ AP अगर मुझे निकालना हो, तो मैं इसको m2 ले लेता हूँ, और m1 into m2 क्या होगा भैया, -1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, -1 के इक्वल ना, नॉट 1 के इक्वल, मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर, किसके इक्वल है, -1 के इक्वल होगा, दोनों स्लोप परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर, तो ये 1/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर m2 क्या हो जाएगा जी, m2 हो जाएगा 2 1 2, तो m2 -2 आ गया, ये हमारे पास में स्लोप आ गया m2। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास में, मेरे पास जो A के कोऑर्डिनेट्स वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, A के कोऑर्डिनेट्स है 2 - 2। ठीक है, अब मेरे पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से AP के इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ AP पॉइंट स्लोप फॉर्म से, तो y - y1 mx - x1, तो y - y1 मतलब y1 है यहाँ पर 2, m की जगह पर है -2, x - x1 है 2। ठीक है, -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y + 2 - 2x + 4, 2x को इधर ले आओ, 2 को देखो -2x इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो हो जाएगा 2x + y और 4 - 2,
तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इक्वेशन फर्स्ट। चलो इसको हम बॉक्स लगा के हाईलाइट कर दें क्योंकि हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? सेकंड इक्वेशन हमको निकालना है बीक्यू की। बीक्यू की इक्वेशन निकालने के लिए एसी का स्लोप निकालना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ एसी निकालो पहले। तो एसी के लिए ये होगा वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू क्या है यहाँ पर, जीरो माइनस माइनस टू, जीरो माइनस माइनस टू तो प्लस का टू हो जाएगा, अपॉन में माइनस वन माइनस वन माइनस टू तो हो जाएगा टू अपॉन माइनस थ्री, ठीक है, एसी का स्लोप। मैं इसको एम थ्री ले लेता हूँ, तो और स्लोप ऑफ बी क्यू क्या होगा, स्लोप ऑफ बी क्यू हम ले लेते हैं एम फोर। तो भैया एम थ्री इंटू एम फोर ये माइनस वन के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि बी क्यू परपेंडिकुलर ऑन एसी। एम थ्री कितना है, टू अपॉन माइनस थ्री है, और इंटू में एम फोर माइनस वन है, इसको उधर भेज दो तो एम फोर क्या हो जाएगा, थ्री अपॉन टू हो जाएगा प्लस का, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का थ्री अपॉन फोर, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम बहुत देखो हमारे पास स्लोप आ गया और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, वन वन है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, वन वन है, तो हम बी क्यू का इक्वेशन निकालते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ बी क्यू कैसे होगा, वाई माइनस वाई वन एम की जगह पर ये, और एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इजिकल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंटल फॉर्म उसको बोले हम, टू का मल्टीप्लाई कर दो, टू वाई माइनस वन थ्री एक्स माइनस थ्री, टू वाई माइनस टू आएगा, टू इंटू वाई टू वाई, और टू इंटू वन माइनस का टू, थ्री का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अब एक काम कर सकते हो, यहाँ से वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो टू एक्स प्लस टू, ठीक है, तो ये टू एक्स प्लस टू हम वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, माइनस का टू एक्स प्लस टू माइनस का टू थ्री एक्स माइनस थ्री, ये माइनस फोर प्लस फोर माइनस टू थ्री एक्स माइनस थ्री, तो हो जाएगा ये थ्री को आप चाहे तो इधर ले आओ और उसको उधर लेके जाओ, तो माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, यहाँ बचेगा टू, ये माइनस थ्री, टू को इधर भेज दो, माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स हुआ, ठीक है, तीन और पाँच ही हो गया सात एक्स माइनस का, और माइनस तीन माइनस दो इधर चले गया, माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव, तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, फाइव अपॉन सेवन, ठीक है, ये एक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। चलो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अब एक्स के कोऑर्डिनेट्स के बाद में मैं इनको यहाँ पुट कर देता हूँ सेकंड में, अगर एक्स के कोऑर्डिनेट फाइव अपॉन सेवन है तो मैं यहीं पर पुट कर देता हूँ, वाई इज इक्वल्स टू टू फाइव अपॉन सेवन प्लस टू, फाइव टू ज़ा टेन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, माइनस टेन सेवन टू ज़ा फोर्टीन अपॉन सेवन, तो ये हो जाएगा चार अपॉन सात, तो वाई के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, चार अपॉन सात। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर आर, लिख दो यहाँ पर, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर आर फाइव अपॉन सेवन एंड फोर अपॉन सेवन, ठीक है, ऐसे करना है भाई, बहुत अच्छा है, सिंपल सा है थोड़ा सा। देखो बात क्या है कि हमारे बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए हमको, हमारे ये हमको पता ही नहीं होगा भैया कि ऑर्थो सेंटर, अब यहाँ की लिखा नहीं है कि आपको यहाँ पर इनको सॉल्व करना है, मैंने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर ली, आप चाहते तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करते इक्वेशन वन और इक्वेशन टू लेके, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन वन, है ना, यहाँ मैंने क्या किया है फ्रॉम इक्वेशन वन वैल्यू पुट कर दी और डायरेक्ट सॉल्व हो गया। तो ये इट डिपेंड्स कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, ये बोलता है एन जो देके रखा कोऑर्डिनेट 3 माइनस 4 इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन एल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मतलब आपको सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना, ठीक है, और आप देखिए मैंने एक्स वाई एक्सिस यहां पर ड्रॉ कर लिए और साथ ही में ये पॉइंट है जहां पर ये होगा, तो ये 3 माइनस 4 ही पॉइंट है, यहां पर ये लाइन हम खींच लेते हैं, लाइन एल इसको नाम दे दें, ठीक है, और ये ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, ठीक है। अब हम क्या करें इसको, मैं इसको जरा नाम दे देता हूँ L। यार देखो मुझे इससे होके मतलब मुझे फाइंड द इक्वेशन ऑफ L, मुझे L की इक्वेशन निकालनी है, तो पहले मैं O और M का, मैं इसको M नाम दे दूँ या P नाम दे दूँ, मुझे OP का यहाँ पर स्लोप निकालना है, तो लिखो यहाँ पर स्लोप ऑफ OP कैसे होगा, ये x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 क्या है माइनस 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, तो माइनस 4 अपॉन 3 इसका स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ OP। अब स्लोप ऑफ OP के बाद में अगर स्लोप ऑफ लाइन L में निकालो तो क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन L
वो ऐसा होगा भैया कि ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर, अगर मैं इसको एम वन ले लूँ, अगर मैं इसको एम वन ले लूँ तो ये एम टू हो जाएगा, तो एम वन इंटू एम टू माइनस वन के इक्वल आएगा, क्योंकि ओ पी परपेंडिकुलर लाइन एल के ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस फोर अपॉन थ्री इंटू एम टू माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल, तो एम टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम टू आ जाएगा थ्री अपॉन फोर। मेरे पास स्लोप आ गया और मेरे पास में पॉइंट भी है जहाँ से जा रहा है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में लिख लेता हूँ, है ना। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, वो होता है वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई माइनस वाई वन की जगह पर चार है तो प्लस का चार हो जाएगा, एम की जगह पर थ्री अपॉन फोर लिख दो, एक्स माइनस एक्स वन की जगह तीन लिख दो, चार का है मल्टीप्लाई कर दो, फोर वाई प्लस फोर और ये थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है। कलर बदल देते हैं थोड़ा, तो चार का अंदर मल्टीप्लाई किया तो चार वाई प्लस सोलह और थ्री एक्स माइनस नाइन, इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ, तो माइनस थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल्स टू माइनस नाइन माइनस सिक्सटीन, तो माइनस थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, बस जी हो गया। ऐसे करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। आप चाहे तो और इसको ये कर सकते हैं कि माइनस से अगर आप इसको भी इधर ले आए, या माइनस से पूरे मल्टीप्लाई कर दें, है ना। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज पहले एक काम करो, माइनस थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये आंसर जो है ना, ये आपकी टेक्स्ट बुक का आंसर है, अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि सर ने क्या निकाल के दे दिए, ठीक है। इसके लिए ऐसे कर लो इसको, ठीक। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ये सिस्टम है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से हो गया। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। अब सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बची है, अगली एक्सरसाइज में हम बेसिक सीखेंगे और साथ ही में आगे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।